gentlemen, we may now request the Honourable Minister of State with Independent Charge, Ministry of Development of Northeastern Region, Minister of State, Prime Minister's Office, Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions, Department of Atomic Energy and Department of Space, Government of India, Dr. Jitendra Singh Ji, to kindly do the honours of addressing the audience present here. Please put your hands together to welcome him. भारत सरकार में रक्षा मंत्री और हमारे अत्यंत मान योग परमादरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, आयुष मंत्री और हमारे भाई श्रीपद नायक जी, सेक्रेटरी आयुष कोटेचा जी, एडिशनल सेक्रेटरी पाठक साहब, डीजी डॉक्टर असलम खान साहब, डॉक्टर अक्रम और यहां पर मौजूद यूनानी पद्धति के सारे माहिरीन और हजरात, सबसे पहले तो मुझे धन्यवाद कि आपने एक बार फिर से मुझे यूनानी दिवस के मौके पर शामिल करने के काबिल समझा, जैसे पिछले सालों में भी मुझे ये आपने शर्फ बख्शा। और यूनानी डे के साथ साथ ये इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस मुनक्कद करने का ये जो आपने सिलसिला शुरू किया है, इसको जारी रखने के लिए भी आपको मुबारकबाद। और आज के इस यूनानी डे की एक खासियत ये भी है, मुझे लगता है कि सबसे बड़ा हॉलमार्क अगर रहेगा आज के इस प्रोग्राम का तो हमारे माननीय मुख्य अतिथि साहब, और उसका एक वैज्ञानिक कारण है, वो ये कि यूनानी पद्धति का बड़ा गहरा ताल्लुक है हिंदुस्तान की गंगा जमुनी तहजीब के साथ, और हमारे माननीय मुख्य अतिथि जी उसी सरजमी का सबसे हमारे नुमाया और सबसे सम्मानजनक इज्जतदार वहां की शख्सियत और कई वर्षों से नुमाइंदगी करने वाले हमारे नेता रहे हैं। मुझे ये कहने में कोई हिचक नहीं कि पिछले 5 वर्षों में आयुष मंत्रालय को और आयुष पद्धति को वो इज्जत मिली, वो सम्मान मिला, वो मकाम मिला, वो स्थान मिला जिसका उसे कई वर्षों से इंतजार था और जो शायद पिछली सरकारें कहीं देने में कूच कर गई थी। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के ही नेतृत्व में, उनकी रहनुमाई में आयुष मंत्रालय का सबसे पहली बार गठन हुआ, और हमारे सामने जो बैठे हैं श्रीपद नायक जी, आजाद हिंदुस्तान की तारीख में इनका नाम हमेशा याद किया जाएगा, हिंदुस्तान के पहले आयुष मंत्री, द फर्स्ट एवर आयुष मिनिस्टर ऑफ इंडिया। और इसी 5 साल के अरसा में इंटरनेशनल योगा डे, जिसे आप बैन अक्वामी योगा डे भी कहते हैं उर्दू में, उसका सिलसिला शुरू हुआ 21 जून को। और ये कोई मामूली बात नहीं है कि मोदी जी ने जब ये वहां पर प्रस्ताव रखा, जब ये मशवरा वहां दिया, तो 90 से ज्यादा नुमाइंदे थे अलग अलग मुल्कों के जिन्होंने इसकी हिमायत की, और यूनैनिमिटी से सर्वसम्मति के साथ इंटरनेशनल योगा डे मनाने का फैसला हुआ। इन्हीं 5 सालों में क्योंकि हमने आयुष मंत्रालय को और श्रीपद नायक जी को बड़े करीब से काम करते हुए देखा है, मुझे नहीं लगता कि हिंदुस्तान का कोई ऐसा सूबा रह गया या जिला रह गया जहां पर के कोई आयुष का अस्पताल ना खुला हो। मेरे अपने संसदीय क्षेत्र में भी इन्होंने कम से कम 3 आयुष अस्पताल पिछले 5 सालों में शुरू करवाए। और इतना ही नहीं, हिंदुस्तान का सबसे पहला हाई ऑल्टीट्यूड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेस, वो भी मेरे ही पार्लियामानी हल्के में श्रीपद नायक जी के शिलान्यास से पिछले 1 साल से चल रहा है।
इसके अलावा जिसका जिक्र अभी कुटेचा जी कर रहे थे, वो बात अक्सर उतनी नुमाया तौर पर कही नहीं जाती। मैं समझता हूं उसको और ज्यादा पब्लिसाइज करने की जरूरत है। श्रीनगर में यूनानी पद्धति में एमडी, मुझे लगता है कि ना सिर्फ हिंदुस्तान में बल्कि बर्रे सगीर हिंद में, जिसे हम कहते हैं कि उपमहाद्वीप, भारतीय उपमहाद्वीप में ऐसा अपने में पहला ऐसा कोर्स है एमडी यूनानी मेडिसिन का। और अगर हम उसे सही तरीके से दुनिया के आगे रखें तो देश विदेश से लोग एमडी यूनानी करने के लिए कश्मीर वादी आएंगे। पिछले 4-5 साल में जो हिंदुस्तानी पद्धतियां हैं इनमें दिलचस्पी तो बड़ी है, लेकिन विडंबना यह है कि कहीं ना कहीं पिछले कुछ सालों में हम जहां हमसे जब ये छूट गया तो इसको मगरब ने अपना लिया और ये पश्चिम से होता हुआ वापस हिंदुस्तान लौटा। और इसका एक बड़ा दिलचस्प किस्सा, चूंकि मैं पेशे से डॉक्टर रहा तो आज से कोई 10 बरस पहले भोपाल में एक कॉन्फ्रेंस के दौरान, डायबिटीज इन योगा की कॉन्फ्रेंस थी, तो हमारे योग के एक बहुत बड़े माहिर, उन्होंने डायबिटीज में कौन कौन से योग आसनों का फायदा रहता है उसके ऊपर एक उनका भी एक लेक्चर था सेमिनार में, मेरा भी, तो उन्होंने 5 योग गिनवाए। तो मैंने जब मेरा लेक्चर था तो मेरे उस भाषण में, उस तकरीर में 7 योग थे। तो वो मुझे कहने लगे कि आप तो योग से नहीं हैं, इसके माहिर भी नहीं, आपने तो 2 और गिनवा दिए। तो मैंने उनसे कहा कि नहीं, सवाल ये नहीं है, सवाल ये है कि आप भी कहीं से पढ़ करके आए थे और मैंने भी कहीं से इल्म हासिल करके आया, और क्योंकि हमें ये सिखाया जाता है कि कभी भी आपने साइंटिफिक प्रेजेंटेशन करनी हो तो रेफरेंसेस साथ रखनी है। तो मेरे पास जो रेफरेंस थी वो एक अमरीकी साइंसदान की लिखी हुई किताब में से एक चैप्टर था, एक तो मैंने कहा देखिए इस अमरीकी साइंसदान ने 7 योगासन गिनवाए हैं डायबिटीज के लिए, लेकिन जो हिंदुस्तानी किताब जहां से आप लाए उसमें 5 थे। और इसलिए एक बहुत बड़ी तसल्ली की बात है कि धीरे धीरे हमने इसको, इसकी अहमियत को, जो हमारे यहां से जिसका जन्म हुआ था उसको समझना शुरू किया। और अगर मगरब ने इसको समझा तो उनकी एक मजबूरी थी, और अगर आप उसको साइंटिफिक ढंग से, वैज्ञानिक ढंग से देखें तो मजबूरी ये कि पिछले 10-20-25 वर्षों में हमारा जो डिजीज स्पेक्ट्रम है उसमें एक बदलाव आया। 50 और 60 की दहाई में और दशक में अक्सर लोग ट्यूबरक्लोसिस के शिकार हो जाते थे, हैजा, पेचश, प्लेग, इस तरह की बीमारियां। अब डायबिटीज होने लगा, हार्ट अटैक होने लगे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ने लगे, तो कहीं ना कहीं उनको ये लगा कि जो उनके पास एलोपैथी की पद्धति जिसका वो ज्यादातर इस्तेमाल करते थे वो कहीं ना कहीं नामुकम्मल थी या पर्याप्त नहीं थी, और वो जो बीच की खला थी उसको भरने के लिए उन्हें दूसरी पद्धतियों का इस्तेमाल करने की जरूरत महसूस हो रही थी, और वहां पर आयुष की जरूरत आई, योगा की जरूरत आई। तो कहने का मतलब ये कि उसका, मेरा कहने का मुराद ये कि उन्होंने भी इसको बड़े साइंटिफिक ढंग से परखा, पहचाना और फिर इसको अपनाया। और जैसा कि हम जानते हैं कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेज में जो होलिस्टिक ट्रीटमेंट है उसकी क्या अहमियत है, भले ही वो डायबिटीज है, चाहे वो हार्ट अटैक है, चाहे मोटापा है जो एक बड़ी प्रकोप की तरह हिंदुस्तान में फैला है, खासतौर से सेंट्रल ओबेसिटी, जो पेट की ओबेसिटी है जो अपने में एक कारण रहता है इन बीमारियों का। और इसलिए ज्यादा वक्त ना लेते हुए सिर्फ एक बात जो मैं कुछ समय से महसूस कर रहा हूं, इस तरह की कॉन्फ्रेंसेज में रखने का की कोशिश भी करता हूं, जरूरत भी करता हूं, साहस भी, कि इसका किस तरह से ऑप्टिमम फायदा लिया जाए। क्योंकि हमने एक बार एक तजुर्बा किया था ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट में जब मैं था 95-96 में, कि एक ही अस्पताल में, एक ही परिसर में मल्टीपल चैम्बर साइमल्टेनियस कंसल्टेशन मुनक्कद हो। वरना क्या होता है कि जब अलग अलग हम बैठते हैं तो कहीं कहीं दवाई का गलत इस्तेमाल भी करते हैं। अब कहना अच्छा नहीं लगता कि कई बार, लेकिन देखा है कि आयुर्वेदिक वाले भी एलोपैथी की टिकिया की पुड़िया बना के बेच देते हैं,
उससे कई बार नुकसान भी होता है और कई बार बीमारी का फायदा भी नहीं होता। तो हम क्या किया करते थे कि चार कमरों में एक ही तरह के मरीज को रोटेशन के तहत घुमाया करते थे। पहले एलोपैथी का डॉक्टर देखता, उसके बाद डाइटिशियन, उसके बाद लाइफस्टाइल काउंसलर, और जहां हो तो एक आयुष का या यूनानी डॉक्टर, ताकि सब अपने अपना एडजुवेंट के तौर पर काम करें, क्रॉस पर्पसेस के तौर पर काम ना करें। और एक जो मैंने एक मशवरा रखा है मेडिकल काउंसिल के आगे भी कि जो हमारा सिलेबस है, पाठ्यक्रम है, उसमें कहीं ना कहीं इस बात की अहमियत को उजागर किया जाए, वरना जो एलोपैथी को से निकलता है वो आयुर्वेद और आयुष और यूनानी को अपना दुश्मन मानता है और वो एलोपैथी को अपना दुश्मन मानता है, तो वो ज्यादा वक्त उसी प्रतिस्पर्धा में निकल जाता है बजाय इसके कि उसकी हेल्दी एडजुवेंट काम हो। और इसलिए आने वाले वक्त में सबसे बड़ी चुनौती, सबसे बड़ा चैलेंज हिंदुस्तान के लिए रहेगा ये जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजें, इनकी रोकथाम। और खासतौर ऐसे वक्त जब 2020 के हिंदुस्तान में 70% से ज्यादा लोग 40 वर्ष से कम उम्र के हैं, और जब हम कहते हैं कि हिंदुस्तान वर्ल्ड पावर बनेगा, विश्वमूर्ति बनेगा, तो इन्हीं नौजवानों की ऊर्जा और योगदान और इन्हीं के रोल से हम उस मकाम तक पहुंच पाएंगे। तो ये किस तरह से उसकी हिफाजत करना है, उसके लिए जरूरी है कि इन बीमारियों की रोकथाम हो, और रोकथाम के लिए कोई भी एक पद्धति पूरी तरह से अपने में मुकम्मल नहीं है, पर्याप्त नहीं है, ये बात अब साइंसदान भी कबूल कर चुके हैं। और वहां पर हमें जरूरत पड़ेगी एक हेल्दी कॉम्बिनेशन एडजुवेंट मिक्सचर ऑफ होलिस्टिक मेडिसिन, जिसमें आयुष भी होगा, योगा भी होगा, यूनानी भी होगी, एलोपैथी भी होगी, ताकि आखिरकार जैसे हिप्पोक्रेट्स द फादर ऑफ मेडिसिन जिसे माना गया हमारे यहां, वो कहा करते थे कि एक मुकम्मल डॉक्टर वो है कि जो बिना दवाई के बिना औजार के भी इलाज कर पाए और जिसमें एक सेंस ऑफ इंट्यूशन आ जाए। आप किसी रेल के डिब्बे में बैठते हैं तो किसी को कोई तकलीफ हो जाती है, दूसरे मुसाफिर को, तो आपके पास दवाई नहीं रहती, लेकिन आप फिर भी कहीं ना कहीं उसका कुछ ना कुछ इलाज करने की सलाहियत रखते हैं। वो इसलिए कि आपने उस तरह से अपने आप को तैयार किया होता है, अपना विकास किया होता है, और साथ ही इसलिए कि आप में एक सेंस ऑफ इंट्यूशन आ जाता है उस तजुर्बे के साथ साथ कि आप देखते ही पहचान लें उसके चेहरे से कि उसके पेट में क्या बीमारी है। तो उसके लिए मुझे लगता है कि आने वाले वक्त में हम ये भी कोशिश करेंगे और कुटेचा जी के आगे भी एक सुझाव रखेंगे कि इन कॉन्फ्रेंसेज में हम एक दो सेशन दूसरी पद्धतियों के भी रखें एलोपैथी के, और सवाल जवाब के सिलसिले से वो कुछ हमसे सीखें और हम कुछ उनसे सीखें, और कुछ एक दूसरे के बारे में शुबाह हैं तो भी दूर हो पाए। बहुत बहुत शुक्रिया।